भारतीय सेना को इस समय 400 से भी ज्यादा तोपों की जरूरत है। इसमें वो आधुनिक तोपें शामिल हैं जिनको भारत, पाकिस्तान और चीन की सरहद पर लगाया जाएगा। ये हर मौसम में कारगर तोप है जिन्हें अत्यधिक ऊंचाई से लेकर रेगिस्तान या फिर पहाड़ से लेकर बर्फीली चोटियों पर तैनात किया जाएगा। भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हो रही 4 वो खास तोपें हैं जिनकी संख्या 10 रेजिमेंट या 400 के करीब है। खास बात यह है कि सभी तोपें मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत तैयार की जा रही हैं। खबर के अनुसार भारतीय सेना को 145 तोपों को मिलने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया है। मई 2018 में धनुष 155/45 कैलिबर वाली तोप का यूजर ट्रायल पोखरण में हो चुका है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कहा गया है कि 114 तोपों को जल्द तैयार करके भारतीय सेना को दे। K9 वज्र 155/52 कैलिबर की 100 होविजर तोपों को साउथ कोरिया तैयार कर रहा है। इसे मेक इन इंडिया के तहत L&T कंपनी पार्टनरशिप के तहत 2019 नवंबर तक तैयार करके देगी। पहली 10 तोप नवंबर 2018 तक आनी है, इसके बाद 40 तोप 2019 के नवंबर महीने तक, उसके बाद 2020 तक भारतीय सेना को मिलेंगे। वही अमेरिका के साथ काफी हल्के वजन वाले 145 होविजर तोपों M777 के सौदे के बाद 2 तोप भारत आ चुकी हैं। वहीं 2019 के मार्च से लेकर 2021 के जून के बीच हर महीने 5-5 तोपें आएंगी। अल्ट्रा लाइट होविजर तोपों को भारत में चीन की सीमा के निकट और अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। ATAGAS DRDO द्वारा तैयार की जा रही आर्टिलरी गन है। इसे भारत फोर्स के साथ मिलकर इसे तैयार किया जा रहा है। इसकी रेंज 45 किलोमीटर है और एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में तेजी लाने के साथ जल्द ही 2019 के खत्म होने से पहले भारतीय सेना में शामिल होने को कहा गया है। मंजीत नेगी, दिल्ली, भारत तक।